Hey guys, hi, welcome back to my channel, Shiny. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माई करेंट हेयर केयर रूटीन. सो आई हैव चेंज्ड माई हेयर केयर रूटीन एंड करेंटली आई एम यूजिंग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड इन प्रोडक्ट्स में किसी भी तरीके का हार्श एंड हार्मफुल केमिकल्स नहीं है. एंड सो माई हेयर फील्स सो हेल्दी एंड माई हेयर हैज बिकम रियली सिल्की, सॉफ्ट एंड मैनेजेबल बिकॉज मैं इस हेयर केयर रूटीन को करेंटली रिलीजियसली फॉलो कर रही हूँ एंड मैं अपने हेयर को ज्यादा से ज्यादा स्टाइल भी कर पा रही हूँ. ऊपर से मैं नए नए हेयर स्टाइल्स भी ट्राई कर रही हूँ बिकॉज व्हेन योर हेयर इज हेल्दी यू कैन ट्राई न्यू हेयर स्टाइल्स. आपकी हेयर इतनी ज्यादा मैनेजेबल एंड इतनी ज्यादा हेल्दी हो जाती है कि आप हेयर स्टाइल्स कर सकते हो. हेयर स्टाइलिंग करने पर उतना ज्यादा डैमेज नहीं होता हेयर. सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट इन टू द वीडियो. सो करेंटली मैं अपने हेयर के रिजीम में 4 प्रोडक्ट्स ट्राई आउट कर रही हूँ जिसमें से द फर्स्ट स्टेप इज हेयर ऑयल, सेकंड इज एक हेयर लेप या फिर एक हेयर मास्क आप कह सकते हैं, बट वो एक हेयर लेप की तरह है विच इज रियली इंटरेस्टिंग. सो आप वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको इन सब के बारे में पता चलेगी. एंड देन वन हेयर क्लेंजर एंड लास्टली एक हेयर कंडीशनर. और इन सिंपल 4 स्टेप्स से ही मेरे हेयर पर काफी एक नोटिसेबल चेंज मैं महसूस कर रही हूँ. दैट्स वाई आई थॉट कि नहीं, मेरा ये करंट हेयर केयर रूटीन आप सबके साथ डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए. सो द हेयर केयर किट इज फ्रॉम मदर स्पर्श. और मदर स्पर्श अगर आपको नहीं पता तो वो एक प्रीमियम ब्रांड है विच कवर्स ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर बेबीज, वुमेन एंड इनफैक्ट टीनेजर्स. सो बट सिर्फ और सिर्फ वुमेन ही नहीं, आई थिंक दीज प्रोडक्ट्स विल बी वेरी गुड फॉर मेन एज वेल. सो मैं इन सारे प्रोडक्ट्स का जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है वो सब कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ एंड द प्रोडक्ट्स आर रियली अफोर्डेबल. सो इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए और मेरा करंट हेयर केयर रूटीन जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. मदर स्पर्श हेयर केयर किट कंटेन्स 4 प्रोडक्ट्स और उसके साथ एक इस तरीके का बैग मिलता है विच इज रियली गुड. और इस बैग की क्वालिटी भी काफी अच्छी है एंड आई लाइक दिस वेरी मच कि इस किट के साथ हमें एक बैग भी रिसीव होता है. सो इसमें आपको मिलेगा 1 हेयर लेप, हेयर ऑयल, हेयर क्लेंजर एंड हेयर कंडीशनर एंड मदर स्पर्श के सारे प्रोडक्ट्स ही नेचुरल होते हैं. एंड दीज प्रोडक्ट्स आर टोटली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, ड्राई, डैमेज्ड, फ्रिजी हेयर के लिए काफ़ी अच्छे से वर्क करता है. सो द फर्स्ट स्टेप इज हेयर ऑयलिंग. मदर स्पर्श 30 हर्ब्स हेयर ऑयल इज मिराकल हेयर एंड स्कैल्प फूड विच इज 100% आयुर्वेदिक. इसका नेट वॉल्यूम है 200 ml विच रिटेल्स फॉर 599 rupees ओनली, बट ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में डेफिनेटली मिल जाएगी. दिस हेयर ऑयल कंटेन्स द रिचनेस ऑफ 30 आयुर्वेदिक हर्ब्स. इसके अंदर कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए. जैसे इसके अंदर है ब्राह्मी, ब्रिंगराज, जबपुष्प, जटामंसी, शिकाकाई, रीठा. दीज ऑल इंग्रेडिएंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेयर ग्रोथ. एंड अगर आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है. एट द सेम टाइम नरिशमेंट काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड करता है, एक कूलिंग सा सेंसेशन देता है आपके स्कैल्प को विच इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस समर सीजन. ऑल्सो ये डीपली पेनिट्रेट करता है काफ़ी ईजिली, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होने की वजह से बिल्कुल भी हेवी ऐसा नहीं फील होता. बट इट इफेक्टिवली मॉइस्चराइजेस एंड नरिशेस योर हेयर. स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे से दूर करता है. नेक्स्ट स्टेप इज दिस हेयर लेप विच इज़ दशमूल हेयर लेप. अगर आपके हेयर में काफ़ी ज़्यादा प्रीमेच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल के इश्यूज़ है, डैंड्रफ इश्यूज़ है, इची स्कैल्प है, डल हेयर है, तो आप इस हेयर लेप को अप्लाई कर सकते हैं अपने हेयर में. इसके अंदर भी इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स है. सो द एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स आर मेथी, तेजपत्रा, त्रिफलम, तुलसी है इसके अंदर, शिकाकाई, मुलेथी. सो दीज इंग्रेडिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर ब्राह्मी, बकुची, करी लीफ भी है. ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स आर सो नेचुरल एंड सो बेनिफिशियल फॉर आवर हेयर. ये हेयर को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी, सॉफ्ट एंड शाइनी बनाता है. तो आप इस हेयर लेप को वीकली अप्लाई कर सकते हैं. आप चाहते हैं तो इसे वीक में 2 times भी अप्लाई कर सकते हैं, एज बिकॉज इट डज़ नॉट कंटेन एनी सॉर्ट ऑफ हार्श एंड हार्मफुल केमिकल्स.
100 ग्राम्स का ये कंटेनर, इसका प्राइस है 599 रुपीज़। यू कैन सी द कंसिस्टेंसी इज़ पाउडरी। तो आपको इसे लेप फॉर्म में अप्लाई करना है। तो आपको इसे अप्लाई कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। आप एक बाउल में ले लीजिए एंड द फ्रेगरेंस इज रियली अमेजिंग। यू आर गोना लव द फ्रेगरेंस। तो आप इसकी क्वांटिटी लेकर आप इसे वाटर के साथ मिक्स कर सकते हैं, आंवला जूस के साथ मिक्स कर सकते हैं, एंड एक लेप फॉर्म में जब पेस्ट फॉर्म में आ जाएगी उसके बाद जस्ट अप्लाई दिस ऑल ओवर योर स्कैल्प, योर हेयर लेंथ एंड ऑन द स्प्लिट एंड्स एज वेल। और उसके बाद जस्ट 30-40 मिनट्स चाहिए इसे ड्राई होने में, एंड देन वॉश ऑफ विथ वाटर। यू कैन शैम्पू योर हेयर एज वेल। वन यूज़ के बाद ही मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने हेयर सॉफ्ट लगने लगे, हेल्दी लगने लगे। यू नो, वो जो शाइन है ना हेयर में, वो वापस आ गया था मेरे हेयर में। सो बेटर होगा कि आप हेयर ऑयलिंग ना करें जब आप इसे अप्लाई करें। तो जब हेयर काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है उस टाइम ईजिली ये वर्क करता है आपके हेयर में। नेक्स्ट आपको हेयर क्लेंजर इस्तेमाल करना है, विच इज़ शैम्पू। ये है जबापुष्प हेयर क्लेंजर, विच नेचुरली मेक्स योर हेयर हेल्दी एंड लस्चरस। ये भी 100% आयुर्वेदिक है। 20 ml का जो ये बॉटल है, इट रिटेल्स फॉर 475 रुपीज़। एंड इसके अंदर जबापुष्प है जो कि हेयर फॉल को कंट्रोल करने के साथ साथ न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। भृंगराज, जटामंसी, आंवला, रीठा, नीम, शिकाकाई, मेथी एंड अदर आयुर्वेदिक ऑयल होने की वजह से बिल्कुल ड्राइनेस नहीं देता आपके हेयर एंड स्कैल्प को। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर करता है, हेयर स्ट्रैंड्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। सो आई रियली लव्ड यूजिंग दिस हेयर क्लेंजर। मैं तो इसे डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड यू कैन सी इट रिक्वायर्स वेरी लेस अमाउंट और ईजिली फोम भी कर जाता है, हेयर को ईजिली क्लीन करता है, स्कैल्प को क्लीन करता है। सो दिस इज सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स। द लास्ट स्टेप इज दिस मदर स्पर्श जबापुष्प हेयर कंडीशनर, जो कि काफ़ी अच्छे से हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सो दिस होल हेयर किट इज जस्ट टू प्रोवाइड योर हेयर दैट एक्स्ट्रा नरिशमेंट, मॉइस्चराइजेशन और हेल्दी बनाता है हेयर को। सो दिस इज द मेन एम ऑफ दिस हेयर केयर किट। सो इसके अंदर भी ब्राह्मी है, शिकाकाई, भृंगराज, आंवला, जबापुष्प विच इज हिबिस्कस, देन इसके अंदर रीठा, नीम, मेथी, ऑल दीज इन्ग्रीडियंट्स आर सो नेचुरल। और ये आपके हेयर को काफ़ी अच्छे से नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, ड्राइनेस को दूर करता है, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को ठीक करता है। यू जस्ट नीड वन और टू पम्प्स और फिर उसे इवनली स्प्रेड कर लीजिए अपने पम्प्स में, एंड देन जस्ट अप्लाई दिस इवनली ऑन योर हेयर लेंथ। स्पेशली फोकस करना है स्प्लिट एंड्स पर। एंड दिस रिटेल्स फॉर 499 रुपीज़ फॉर 200 ml। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, एंड यू कैन सी माई हेयर हैज़ बिकम सो शाइनी, सॉफ्ट, मैनेजेबल, एंड मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी लग रहे हैं। सो आफ्टर फर्स्ट यूज़ ओनली आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज दिखेगा, एंड द हेयर लेप इज़ रियली इफेक्टिव। ऑल द प्रोडक्ट्स आर रियली नेचुरल एंड आयुर्वेदिक। तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो जो भी लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा। एंड रही बात मेरी एक्सपीरियंस की, तो मेरी एक्सपीरियंस काफी अच्छे है इन प्रोडक्ट्स के साथ, एंड इनफैक्ट आई हैव बीन यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स सिंस 15 या 20 डेज। सो मैं काफी ज्यादा इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने लग गई हूँ, एंड यू कैन सी मैंने काफी ज्यादा इस्तेमाल भी कर लिया है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दीज प्रोडक्ट्स टू टीनेजर्स, मेन, वुमेन, बिकॉज ये प्रोडक्ट्स ना सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। So yeah, that's it for today's video. Make sure you like this video, share, and don't forget to subscribe to my channel. Bye.